हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रहबर खान और आप देख रहे हैं आरके टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम में ये जो नया फीचर आया है एक बार में मल्टीपल फ़ोटोज़ अपलोड करने का, तो इसमें पैनोरामा शॉट जो हैं वो कैसे अपलोड करें एक ही पिक में, तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ मैं बता देता हूँ किस टाइप का होता है ये, पहले जिनको नहीं पता पैनोरामा इफेक्ट शॉट कैसा होता है तो मैं उनको बता देता हूँ। कुछ मैंने अभी एक अपलोड किया था, मैंने ये अपलोड किया था अभी, देखिए ये एक पूरा शॉट है, फुल शॉट पैनोरामा जो आप मोबाइल से भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको एक ही तीन फोटो अलग अलग काट के इसे एक फोटो बना दी है, तो ये एक ही बार में आपको ये पूरा मिल गया है। तो इस टाइप का आपको अगर शॉट अपलोड करना है फुल शॉट एक ही फ़ोटो में तो आप ये कैसे कर सकते हैं, तो यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप चले जाइए प्ले स्टोर पे, और यहाँ जाने के बाद आप यहाँ सर्च करिए GIANT जाइंट स्क्वायर इंस्टाग्राम। तो देखिए यहाँ आपको एक ऊपर ही एक आया है जाइंट स्क्वायर, इसे आप सिंपली खोल ली ओपन कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और इसके देख सकते हैं आप रेटिंग है 3.7 की और है 500,000 डाउनलोड्स। तो और इसका साइज़ है आप देख सकते हैं यहाँ, इसका साइज़ किधर गया, इसका साइज़ यहाँ दिखा रहा नहीं है, देख सकते हैं कुछ अपडेट हो गया वो प्ले स्टोर, तो वर्जन सिर्फ दिखा रहा है इधर 2.0.2 है और कुछ नहीं है। तो ये 2-3 MB का है, ज़्यादा MB का भी नहीं है, तो सिंपली इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। और आप जैसे ही इसे ओपन करते हैं आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, एक है फेसबुक के लिए आपको अगर कवर अवर बनाना है कुछ मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करके तो आप इससे भी बना सकते हैं, और सेकेंड है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में अगर आपको एक बार में एक फुल फ्रेम फ़ोटो को आप मतलब काट काट के उसको आप अपने हिसाब से बड़ा बना सकते हैं, अपनी टाइमलाइन में से बड़ी इमेज दिखा सकते हैं, और ट्विटर का भी ऐसी कुछ है। तो हमें सिर्फ इंस्टाग्राम की ज़रूरत है अभी, तो हम इंस्टाग्राम में जाते हैं। यहाँ भी आपको देखिए तीन ऑप्शन आ जाते हैं, एक जाइंट स्क्वायर, एक कॉलाज और एक है स्क्वायर एडिटर। स्क्वायर एडिटर तो आपको पता ही है, अगर आपकी लैंडस्केप मोड पे कुछ फ़ोटो हैं अगर आप उसको फिट करना चाहते हैं पूरे स्क्वायर में तो आप स्क्वायर एडिटर का यूज़ यहाँ कर सकते हैं, और आप आपके लैंडस्केप को पूरे स्क्वायर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो ऊपर का थोड़ा सा ब्लर और नीचे का ब्लर हो जाता है इसमें, और कॉलाज में आप मल्टीपल फ़ोटोज़ को आप सिलेक्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ एक जाइंट स्क्वायर, इसमें हम जाएंगे और यहाँ कहीं भी क्लिक कर देंगे तो देखिए आप जो मैं शॉट अपलोड करने बोल रहा हूँ आपको, तो वो सिर्फ आप कहाँ कहाँ तीन फ़ोटो में आपको चाहिए वो शॉट, तो सिंपली आप यहाँ से तीन सेलेक्ट कर लीजिए, तीन बॉक्सेस, और यहाँ से अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कोई इमेज जैसे आपकी लैंडस्केप है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। खैर अभी तो हम पैनोरामा शॉट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ तीन यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम तीन स्वाइप करके हम पूरी फ़ोटोज़ दिखाना चाहते हैं। तो सिंपली आप तीन सेलेक्ट करिए, ऊपर के ग्रीन कर लीजिए टिक को, और यहाँ से अपलोड में जाइए इमेज गैलरी में, और आपकी इमेज जहाँ से जो भी गैलरी से आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। मैं इधर स्नैपसीड में जाता हूँ, मैं इस वाले को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और देखिए यहाँ पूरी फ़ोटो फिट हो गई है, और आपको जैसे भी इसे फिट करना है आप इसे फिट कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा ऐसा
पेस्ट कर लेता हूं और सिंपली आप इसे शेयर में क्लिक कर दीजिए। और आप जैसे शेयर में क्लिक करते हैं तो आपके पास देखिए एक तीन ऑप्शन और आते हैं। आप अगर इसे डायरेक्ट यहीं से अपलोड करना चाहते हैं तो इसे कर लीजिए, यहाँ से एक एक करके अपलोड होते जाएगी। और सेव ग्रेड मतलब ये जितना भी ग्रेड है वो सेव होगा, इसका कोई यूज़ नहीं है, अपना यूज़ सिर्फ सेव है। तो अपन सेव कर लेंगे इसे, इमेज सेव्ड। अब जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद आप सिंपली इंस्टाग्राम खोलिए अपना, और आपका जो भी अकाउंट है जिसमें भी आप इसे डालना चाहते हैं वो खोलिए। देखिए यहाँ मैंने पहले से जो भी इस टाइप का जो नया फीचर आया है इसमें, तो इसमें देखिए ऊपर एक लोगो दिखता है छोटा सा, तो समझ जाइए कि ये स्वाइप करके आपको दो तीन फोटो इसमें हैं। तो सिंपली ये ऐसा दिखता है। तो सिंपली आप जाइए प्लस के आइकॉन में, और यहाँ से आप ये दिख रहा है आपको एक आइकॉन मल्टीपल फ़ोटोज़ का, तो इसमें जाइए। और सबसे पहले आप कौन सी फ़ोटो चूज़ करेंगे जो सबसे लास्ट में है, ये देखिए जो सबसे पहले आप जो फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे वो है ये वाली। तो यहाँ देखिए नंबर लिख के आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस वाली को सिलेक्ट करते हैं, फिर सेकंड वाली को सिलेक्ट करते हैं, और फिर थर्ड वाली को सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपकी कटिंग के हिसाब से, और सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि ये इमेज कैसी आएगी। तो यहाँ से अगर आप इसे इफेक्ट देना चाहते हैं तो पूरी फ़ोटो में आएगी है, तो हम इसे में कोई इफेक्ट नहीं देना चाह रहे हैं, तो इसे नेक्स्ट कर देंगे सिंपली। और नेक्स्ट करने के बाद आप इसका जो भी है आप डिटेल्स ऐड कर दीजिए और इसे सिंपली शेयर कर दीजिए। देखिए आप ये फिनिश हो चुकी है, तो हम इसे चला के देख लेते हैं। देखिए यहाँ तीन डॉट आ गए, मतलब ये आपकी रेडी इमेज। देखिए पूरी इमेज एक ही में आ गई है, ये पैनोरामा शॉट होता है, तो एक इमेज को आप पूरी बिना कट करे बिना स्क्वायर फिट करे आप इसे एक ही फुल साइज़ में आप दिखा सकते हैं इस मेथड से। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे हिट कीजिए, क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।